जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं विराट चौधरी। और दोस्तों, आज का ये वीडियो, अगर आप CAPF या SSC GD की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, क्योंकि इसके बारे में आपको जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कॉन्स्टेबल मतलब CTGD से DG डायरेक्टर जनरल ऑफ डिपार्टमेंट का जो पुलिस रहता है डायरेक्टर जनरल, उस तक की जो मतलब क्या क्या बेसिक पेमेंट होते हैं उनके, उनको किस नाम से संबोधित करते हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में, ये जानकारी आपके लिए बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अगर आप SSC GD की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपके लिए ज़रूरी है। अगर आप CAPF के किसी भी डिपार्टमेंट जैसे BSF, CRPF, CISF या अदर भी किसी भी डिपार्टमेंट जो इसके अंदर आता है जैसे SSB, तो इनके क्वेश्चन भी पेपरों में कई बार आते हैं, तो इनके बारे में आपको जानकारी होना और बेसिक भी आपको जानकारी, अगर आप कहीं पर भी जा रहे हो तो आपसे कोई भी पूछ सकता है कि इसको क्या बोलते हैं, DIG को क्या बोलते हैं, IG को क्या बोलते हैं, DC को क्या बोलते हैं, TOIC को क्या बोलते हैं, तो ये आपके लिए जानकारी बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। और अगर आप इसके मेंबर बनने वाले हो तो भी आपके लिए बहुत ही ज़रूरी जानकारी है, क्योंकि कई बार आपको डिपार्टमेंटली एप्लीकेशनों में ये लिखना पड़ता है और उस समय आप दूसरे से पूछते हो तो अच्छा नहीं लगता दोस्तों। तो इसके बारे में आपको नॉर्मली ये जानकारी होनी चाहिए दोस्तों। तो आज का ये वीडियो इसी बारे में। साथ ही बता दूँ, अगर आप नए हो चैनल पर तो मैंने SSC GD ज्वाइनिंग फिजिकल ट्रेनिंग, सबसे हार्ड ट्रेनिंग कौन सी होती है, और मेरा खुद का ज्वाइनिंग लेटर दिखा के आपको बताया कि ज्वाइनिंग लेटर में क्या क्या लिखा हुआ आता है दोस्तों। तो इस प्रकार के मैंने वीडियो बना रखे हैं जिनके लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं मैंने, आप जाके ज़रूर चेक करिए और ज़रूर देखिए वीडियो, और नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना दोस्तों। अब मैं आपको बताऊं दोस्तों कि किसको हिंदी में क्या बोलते हैं, आपने सुना होगा, और बेसिक पे मतलब जिस जिस डिपार्टमेंट के आपके लिए ज़रूरी बेसिक पे, वो भी मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों। तो अगर हम शुरुआत करें शुरू से, तो CT GD आपको पता, GD का मतलब तो जनरल ड्यूटी हो गया, आपको ये तो पहले से पता होना चाहिए, GD का मतलब होता है जनरल ड्यूटी, ठीक है। तो हम CT जिसको कॉन्स्टेबल बोलते हैं, अब इसको हिंदी में क्या बोलते हैं दोस्तों, आरक्षी। ये CRPF या BSF या इनमें अगर आप जॉब कर रहे हो CPF में, तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, उसको हिंदी में बोलते हैं कॉन्स्टेबल को आरक्षी दोस्तों। और इसकी बेसिक पे आपको जैसे पता ही है 21,700 दोस्तों। इसके बाद में SC हेड कॉन्स्टेबल, ये रैंक वाइज भी आपसे बता रहा हूँ मैं सबसे ऊपर कौन सी रैंक होती है, एक क्रम में बता रहा हूँ आपको। दूसरा हो गया हेड कॉन्स्टेबल, मुख्य आरक्षी, वो इसकी बेसिक पे होती है 27,100 रुपये दोस्तों। उसके बाद में ASI, ये तीसरी रैंक है। तो आपको बता दूं कि CRPF में ASI डायरेक्ट भर्ती नहीं होते हैं दोस्तों, CRPF में डिपार्टमेंटली प्रमोशन से ही, मतलब जो हेड कॉन्स्टेबल से, मतलब पहले कॉन्स्टेबल से हेड कॉन्स्टेबल, हेड कॉन्स्टेबल से ASI, इस प्रकार बनते हैं दोस्तों। तो ASI सहायक उप निरीक्षक, इसको हिंदी में बोलते हैं सहायक उप निरीक्षक। इसके बाद में आ गए SI, SI को आप सभी को पता होगा सब इंस्पेक्टर, और हिंदी में बोलते हैं इसको उप निरीक्षक। तो दोस्तों इसकी बेसिक पे होती है 35,400। इसके बाद में अगर हम बात करें इंस्पेक्टर INS, जिसको हिंदी में बोलते हैं निरीक्षक, हिंदी में निरीक्षक बोलते हैं दोस्तों इंस्पेक्टर को, इसकी कोई भर्ती नहीं होती है, सीधी सब इंस्पेक्टर ही आगे जाके निरीक्षक बनते हैं, आपको पता होना चाहिए दोस्तों ये भी। इसके बाद में होता है फोर्स में SM, सूबेदार मेजर, मतलब ये इंस्पेक्टर से अपर रैंक होती है, और GO मतलब असिस्टेंट कमांडर से बीच की रैंक होती है, जिसके स्तंभ तो लगता है यहाँ कंधे पर, लेकिन एक फित्ती भी मतलब छोटी सी चिंदी भी लगी रहती है, तो मतलब वो इंस्पेक्टर से ऊपर होता है, मतलब सूबेदार मेजर यानी सभी इंस्पेक्टरों से सीनियर होता हो। इसके बाद में AC, असिस्टेंट कमांडेंट, इसको हिंदी में सहायक कमान अधिकारी बोलते हैं दोस्तों। इनकी बेसिक पे होती है 56,800, असिस्टेंट कमांडेंट, सहायक कमान अधिकारी दोस्तों। इसके बाद में आता है DC, उप कमान अधिकारी यानी डिप्टी कमांडेंट, अपने जैसे सुनाएगा आपको ये काम में आने वाले हैं आगे, अगर आप सर्विस करना चाहते हो इसमें तो ज़रूर काम में आने वाले, DC जिसको बोलते हैं डिप्टी कमांडेंट यानी उप कमान अधिकारी। TOIC सेकेंड इन कमान, TOIC किसको बोलते हैं, सेकेंड इन कमान यानी CO से नीचे वाली जो रैंक होती है उसको द्वितीय कमान अधिकारी हिंदी में बोलते हैं दोस्तों इसको, और ये भी डायरेक्ट भर्ती नहीं होते हैं, आपको पता है GO की जो रैंक भर्ती होती है वो होती है असिस्टेंट कमांडेंट यानी सहायक कमान अधिकारी, फिर ये प्रमोशन से DC बनते हैं, DC से फिर TOIC और TOIC से CO बनते हैं दोस्तों। CO सभी को पता है कमांडेंट, कमांडिंग ऑफिसर बोलते हैं, और हिंदी में बोलते हैं कमान अधिकारी, जो बटालियन का
टाइगर भी बोलते हैं जिसको, टाइगर बोलते हैं बटालियन में, कमान अधिकारी दोस्तों। ये भी कोई डायरेक्ट भर्ती नहीं होता, ये भी नीचे से ऊपर की तरफ ही आता दोस्तों, एसी से असिस्टेंट कमांडर। उसके बाद में डीआईजी, उप महानिरीक्षक हिंदी में बोलते हैं, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल इसको इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों, यानी उप महानिरीक्षक। इसकी बेसिक पे होती है 144,000 से 156,000 के बीच में होती है। उसके बाद में आईजी, महानिरीक्षक यानी इंस्पेक्टर जनरल, आईजीपी भी आपने सुना होगा, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, लेकिन इन फोर्स में आईजी होता है इंस्पेक्टर जनरल दोस्तों। इसके बाद में एडीजी, एडिशनल डायरेक्टर जनरल यानी अतिरिक्त महानिदेशक, अतिरिक्त महानिदेशक जिसको हिंदी में बोलते हैं दोस्तों। ये सेकंड कमांड होती है डीजी के बाद में, और इसके बाद में सबसे टॉप पर आता है डीजी, डायरेक्टर जनरल, जिसको महानिदेशक बोलते हैं दोस्तों। तो ये हो गई सीपीएफ के सभी जितने भी जो डिपार्टमेंटली जो रैंकें होती है, कॉन्स्टेबल से लेकर डीजी तक, तो ये है पूरी रैंकें। इसके अलावा बच जाते कौन है दोस्तों, ट्रेडमैन। अब ट्रेडमैन में कौन कौन आते हैं दोस्तों, तो ट्रेडमैन में मैं आपको बता दूं दोस्तों, ट्रेडमैन में सफाई कर्मचारी भी आते हैं, कुक, बार्बर जो बाल कटिंग करता है वो, बार्बर हो गए, कुक हो गए, या सफाई कर्मचारी हो गए। इसके अलावा अगर और रैंक देखें तो एक एमटी ड्राइवर, वो अलग हो जाते हैं, वो भी एक फिक्स ट्रेड ही है, उसमें अलग रहते हैं वो, और उनका अलग ही चलता रहता है, लेकिन रैंकें उनकी भी इसी प्रकार होती है। लेकिन ट्रेडमैन और कॉन्स्टेबल उनके भी आपको पता, अभी कॉन्स्टेबल जीडी ही लगता है ट्रेडमैन के, तो ट्रेडमैन और जो कॉन्स्टेबल जीडी से लगता है उसमें फ़र्क क्या होता है, ये भी मैं इस वीडियो में आपका बता देता हूँ दोस्तों। तो उनका जो मोटा मोटा फर्क होता है, ये होता है कि कॉन्स्टेबल का तो धीरे धीरे प्रमोशन होता है, लेकिन ट्रेडमैन का प्रमोशन नहीं होता, पेमेंट उसकी कंटिन्यू बढ़ती रहती है, पेमेंट सिपाही के बराबर मिलती रहती है उसको, लेकिन उनका प्रमोशन नहीं होता। जैसे कुक हो गए, सफाई करने वाला हो गया, या बार्बर हो गया, प्रेस करने वाला हो गया, लॉन्ड्री वाला हो गया, इस प्रकार अलग अलग ट्रेड बन रखे हैं दोस्तों पहले से। तो इन ट्रेडों में जो ड्यूटी करते हैं उनको ट्रेडमैन का यही है दोस्तों। जैसे बिगुलर है, तो इनका क्या होता है दोस्तों कि इनकी रैंकें नहीं होती। और भी है, जैसे वो बजाने वाले हो गए, वो सभी ट्रेड में आते हैं दोस्तों। जैसे वो होते हैं ना बिगुलर, वो बजाने वाले जो आप सुनते हो, तो वो सभी ट्रेड में आते हैं। तो इनमें और जो सिपाही होता है उसमें फ़र्क यही होता है कि सिपाही का धीरे धीरे प्रमोशन होता रहता है। जैसे 14-15 साल या 16-17 साल में हौलदार बन जाता है, या किसी डिपार्टमेंट में 8-10 साल में बन जाता है, तो सब में अलग अलग है। जैसे बीएसएफ में अलग, सीआरपीएफ में अलग, सभी में अलग अलग है। लेकिन इसमें ट्रेडमैन का जो जिस से बढ़ती होगा उसी ट्रेड में रहता है, और ज़िंदगी भर ट्रेड में रहता है, पेमेंट उसकी बढ़ती रहती है दोस्तों, सीनियरिटी नहीं आती उसमें। तो ये हो गई बात। जय हिंद। अगर वीडियो अच्छा